नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। नंदगंज बाजार के सौरम मोड़ के समीप मंगलवार को नगरवासियों ने खराब सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन किया और कहा कि एक सप्ताह के अंदर इस सड़क को RCC नहीं बनाया गया तो सड़क को जाम किया जाएगा। बता दें कि सौरम मोड़ से लेकर शादियाबाद मोड़ तक की सड़क पर मिट्टी और गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। इसके चलते बाजार में आने जाने वाले वाहनों के चलते पूरे दिन धूल उड़ता रहता है। लोगों का कहना है कि पिछले साल नवंबर में खराब सड़क पर प्रदर्शन किया गया था तो विभाग ने आनन फानन में सड़क को पिच कर दिया जो कि मात्र 1 माह में ही खराब हो गया। इस मौके पर विपिन कुमार सिंह, अजय चौरसिया, धर्मेंद्र कुशवाहा, भीम यादव, छोटू बिंद, फौजदार यादव, भरत मद्देशिया, राजेंद्र, छोटे लाल, लक्ष्मण, घनश्याम, मनोज, मुल्तान आदि लोग थे। गाजीपुर के नंदगंज थाना पुलिस ने मंगलवार को करीब 7 बजे क्षेत्र के तलवल मोड़ के पास से हत्यारोपी माँ और बेटा दोनों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बीते सोमवार की सुबह क्षेत्र के रजादी गांव के नहर के पास एक युवक का शव मिला था जिसके शरीर पर चोट के गंभीर निशान थे। मृतक की शिनाख्त सदर कोतवाली क्षेत्र के मनुआपुर गाँव निवासी चंद्रदेव वनवासी 40 के रूप में हुई। छानबीन में इस वारदात की पीछे मां बेटे का हाथ होने की बात सामने आई है। गिरफ्तार मां बेटे ने पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार कर ली है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कांस्टेबल अजय कुमार गुप्ता, कांस्टेबल कासिम सिद्दीकी, महिला कांस्टेबल आकांक्षा मिश्रा, प्रियंका शुक्ला और सोनम सिंह शामिल रही। दिलदार नगर पुलिस द्वारा दबिश के दौरान घायल फल विक्रेता सलीम के मामले में पुलिस अधीक्षक ने उप निरीक्षक सहित 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि उप निरीक्षक संदीप सिंह सहित कांस्टेबल विनीत कुमार यादव, राजू कुंदन को लाइन हाजिर किया गया है। घायल सलीम का इलाज वाराणसी स्थित एक निजी चिकित्सालय में चल रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह के प्रतिनिधि मन्नू सिंह उनके घर पहुंचे और परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने परिवार को हर स्तर से मदद करने का भरोसा दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी घायल सलीम के परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि एहसान अहमद, बबलू खान, राजेश यादव, बेचन खान आदि लोग मौजूद रहे। गाजीपुर के नंदगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 28 लोगों ने पंजीकरण कराया जिसमें 26 लोगों की रैपिड एंटीजन किट से जांच की गई। जांच में 1 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं जबकि 25 लोग की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। समय से नहीं आने से 2 लोग अनुपस्थित रहे इसकी जानकारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज ने दी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने मंगलवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड चतुर्थ जमनिया के कार्यालय पर विरोध सभा की। इस मौके पर संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारी जिला संयोजक निर्भय नारायण सिंह, पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन पर तानाशाही पूर्ण रवैये अपनाने और ऊर्जा क्षेत्र में औद्योगिक अशांति पैदा करने का आरोप लगाया। इस मौके पर संरक्षक शिव दर्शन सिंह, इंजीनियर आदित्य पांडे, इंजीनियर महेंद्र मिश्रा, इंजीनियर मनीष कुमार, इंजीनियर आशीष चौहान, इंजीनियर अभिषेक राय, इंजीनियर अमित कुमार, इंजीनियर श्याम नारायण सिंह, इंजीनियर रविन्द्र यादव, इंजीनियर संतोष मौर्य, इंजीनियर पंकज जायसवाल, इंजीनियर तपस कुमार, इंजीनियर अविनाश सिंह, विजय शंकर राय, अनिल गुप्ता, सुरेंद्र राजभर, सुरेश सिंह, अनुराग सिंह, वीरेंद्र पासवान, संदीप कुमार, रविंद्र यादव, राम प्रवेश, संजय यादव, प्रवीण सिंह, कपिल गुप्ता, अजय विश्वकर्मा, मदन यादव, विनय तिवारी, अश्विनी सिंह आदि उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।